जेएनयू कैंपस के अंदर एबीवी के छात्रों के साथ मारपीट का वीडियो आया सामने। यहाँ पर छात्रों ने जो आरोप लगाए हैं कि स्कॉलरशिप ऑफिस का उन्होंने घेराव किया था और यहाँ पर उनके साथ गार्डों के द्वारा और जेएनयू स्टाफ के द्वारा मारपीट करी गई, जिसमें कि कई छात्र घायल हुए हैं। तीन तीन साल तीन तीन लड़कियों को यहाँ सर फाइल पकड़ के घसीट के लेके गया है। तीन तीन लड़कियों को घसीट के लेके गए हैं। तीन लोगों के सर फटे हैं। यहाँ से उसके पैर में चोट लगी है। रोहित का सर फटा है। सीमा होती है। इन्होंने तीन बार उस पर ऑब्जेक्शन लगा के वापस कर दिया और वो भी इररिलेवेंट ऑब्जेक्शन लगा के, और अभी तक उन्होंने वो क्लेम फॉर्म मेरा वो नहीं किया। उसके बाद जब क्लेम फॉर्म क्लियर हो जाएगा उसके बाद मैं यूसी सर्टिफिकेट बनवाऊंगा, उसके बाद यूसी भिजवानी पड़ेगी। और मेरी तीन महीने से यूसी पेंडिंग है वहाँ पर ICMR में, और वहाँ से मेरा टर्मिनेशन प्री टर्मिनेशन रिमाइंडर आ चुका है और हम मजबूर यहाँ पर आए हुए हैं। ने हमको मारा, पीछे सर से मारा, गुस्सा से मारा और पीछे हमको शीशे से भी चोट लग गया। उसके बाद बोलता है तुम लोग जाओ, तुम लोग कुछ अधिकार नहीं है। अरे भाई मेरा यूनिवर्सिटी है, हम छात्रवृत्ति नहीं ले सकते। और ज़बरदस्ती बहुत मारा था एक लोग शिकार ने घुस के, और शीशा भी थोड़ा कहता है तुम लोग अच्छा थे, तुम लोग घुसता है कि तुम लोग ऐसे जाओ। दिव्यांग छात्रों के साथ भी करते थे, मेरे साथ में किए हैं। ये लोग बहुत बुरा कर रहे हैं, सब लोग सिक्योरिटी नहीं, ये एडमिन का मिला है और ज़बरदस्ती दिन रात टारगेट करके मारते रहते हैं। अभी इस बार भी हमको मारा। क्या छात्रों की मांग और छात्र फेलोशिप अपना मांगने फाइनेंस ऑफिसर नहीं आ सकते? फाइनेंस ऑफिस आने के बाद में बोले कि चार्ज को बुलाओ। उसके बाद ज़बरदस्ती घुस के 40-50 ऑफिसर के गार्ड मारने लगे।